अगर आप करना चाहते हैं सब्जियों की खेती, तो हम आपको बताएंगे ऐसी फसलें जो कि कम समय में ही आपको माला माल करने के साथ ही खेत में भी जैविक उर्वरक क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके साथ ही नकदी के रूप में बंपर उत्पादन होगा। इसके लिए फर्रुखाबाद के किसान इन दिनों अपने खेतों में उगा रहे हैं तोरई की फसल। जी हाँ, बस एक बार लगाइए और 6 महीने तक उत्पादन पाइए। यह फसल आपको इस कदर उत्पादन देगी कि आप तोड़ते हुए और बिक्री करते समय थक जाएंगे, लेकिन इसकी पैदावार कम होने का नाम नहीं लेगी। जिस प्रकार इसके बीजों को एक बार लगाने के बाद लगातार उत्पादन होता है, तो दूसरी ओर खेत में भी उर्वरकता बढ़ती है। देखिए क्या कुछ। यह क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं आप? कितने साल से खेती करते आ रहे हैं आप? 50 साल कर रहे हैं। जिस प्रकार आप कई मिश्रित खेती करते हैं, भिंडी तुरैया करते हैं, काफी चीजें रहती हैं, तो आमतौर पर किस मौसम में इसको बोया जाता है? इसको फरवरी में बोया जाता है, आलू के बाद। आलू के बाद अगर बीज की बात करें तो 1 बीघा में कितने रुपए का लग जाता है? 1 बीघा में कम से कम 1000 रुपया खर्चा आ जाता है। 1000 रुपये खर्चा आ जाता है। और बिक्री का 1 बीघा में कितने कुंटल तक निकल आती है फसल? पूरी फसल कम से कम 20,000 आसानी से हो जाता है। कहाँ कहाँ बिक्री करते हैं इसे? कमालगंज नवीन मंडी में। डिमांड जिस प्रकार हरी सब्जियों की ज्यादा रहती है, ऐसे समय पर बिक भी अच्छी जाती होगी। तो लगातार किसान यही फसलें करते हैं? यही फसलें। तो इससे फायदा भी होता होगा? फायदा खूब होता। कितने दिन में तुड़ाई होती है इसकी? हर 3रे दिन। तो लगातार लगती रहती है क्या? लगातार। अच्छी बम्पर प्रोडक्शन होती है इसकी? बम्पर बहुत अच्छी होती, इतनी बढ़िया, बहुत ज्यादा तुड़ाई होती रहती है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से लोकल 18 के लिए सत्यम कटियार की रिपोर्ट।